उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत पुलिस ने पकड़ी अवैध हथियार की फैक्ट्री। आम के बाग में चलाई जा रही थी अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री, दो साथी गिरफ्तार। आरोपियों से भारी मात्रा में बने अगबने, तमंचे व हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बाग में चलाई जा रही फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़। बुलंदशहर की नरसेना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को किया गिरफ्तार। आइए इस पूरे मामले पर डीआईजी संतोष कुमार को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। और नरसेना पुलिस के द्वारा अवैध असलहे बनाने वाले दो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम इकराम है, दूसरा मोनिश है। ये दोनों नरसेना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इकराम के विरुद्ध 5 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिसमें चोरी आज के हैं। और जो मोनिश है वो पुलिस मुठभेड़ में भी पूर्व में गिरफ्तार हो चुका है और आर्म्स एक्ट के मुकदमे पूर्व से इसके विरुद्ध पंजीकृत रहे हैं। इनके कब्जे से 5 अवैध तमंचे बने हुए, 315 बोर के, 3 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री से संबंधित उपकरण, जिसमें बड़े पैमाने पे उसके पार्ट्स मिले हैं, 4 तमंचों की बाडी अधबनी हुई, 4 नाल, 4 बड, 4 अधबने ट्रिगर, पिलास, रेती, हथौड़ी, छेनी आदि जो भी उपकरण अवैध शस्त्र के निर्माण में उपयोगी होते हैं वो सब इनके कब्जे से बरामद किए गए हैं। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। 20,000 रुपये की पुरस्कार राशि पुलिस टीम को प्रदान की जा रही है।